आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ईस्ट बंगाल एफसी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वैसे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को जरूर दबाइए और आप सभी स्पोटलिया के मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं और जो जो मेंबर डायमंड लेके बैठा हुआ है उनके साथ मैं ईए स्पोर्ट भी खेलने वाला हूँ और ईए स्पोर्ट का लाइव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा स्पोर्टलिया में। तो जाइए डायमंड वाला आप सभी मेरे साथ ईए स्पोर्ट खेल के आपका प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने जरूर दिखाइए। तो चलिए हम हमारा वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ईस्ट बंगाल एफसी के ऊपर सभी फैनों का आईएसएल सीजन 10 में बहुत सारा उम्मीदें था, लेकिन इन दोनों क्लबों ने आईएसएल सीजन 10 में फैनों के उम्मीद के ऊपर कुछ हारा नहीं हो सका। तो अगर आप देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आईएसएल सीजन 10 में पॉइंट टेबल नंबर 7 पे अपना जर्नी को ख़त्म किया और रही बात ईस्ट बंगाल एफसी का, ईस्ट बंगाल एफसी ने अपना जर्नी नंबर 8 पर ख़त्म किया है। हालांकि ईस्ट बंगाल एफसी का ये सीज़न जो था आईएसएल का इतना खास गया नहीं, लेकिन दुरान कप और सुपर कप का सीज़न बहुत ही बेहतरीन गया है ईस्ट बंगाल एफसी का। दुरान कप का फाइनल तक जाना और सुपर कप का ट्रॉफी जीतना ईस्ट बंगाल एफसी के फैनों के लिए बहुत ही भारी बात है, लेकिन दुरान कप और सुपर कप जैसा परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल एफसी ने आईएसएल में तो दिखा नहीं सका। और रही बात नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आईएसएल सीजन 10 का जर्नी अप एंड डाउन कुछ इस तरह से ख़त्म हुआ। दुरान कप में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और रही बात सुपर कप में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नेक्स्ट राउंड तक क्वालिफाई ही नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था इस क्लब का कि आईएसएल सीजन 10 में ये क्लब जरूर क्वालिफाई करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के परफॉर्मेंस के चलते नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार के आईएसएल सीजन 10 के प्लेऑफ से बाहर हो गया है। लेकिन जब से आईएसएल सीजन 10 ख़त्म हुआ तब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ईस्ट बंगाल एफसी के फैन अभी ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आईएसएल सीजन 11 में हमको इन क्लब से अच्छे परफॉर्मेंस उम्मीदें है। देखा जाए तो ईस्ट बंगाल एफसी इसी साल एएफसी चैंपियंस लीग 2 में भी पार्टिसिपेट करने वाले है, तो ईस्ट बंगाल एफसी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और अभी ईस्ट बंगाल एफसी एक बेस्ट टीम भी बनाएगा जो एएफसी चैंपियंस लीग 2 में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाए। ईस्ट बंगाल एफसी ने अपने हेड कोच कार्लोस क्वाड्रट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन कर दिया है और दो फॉरनर प्लेयर क्रिस्टन सेल्वा और क्रस प्रस्पो के साथ भी ईस्ट बंगाल एफसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन कर दिया है। रही बात इंडियन प्लेयर, बहुत सारे इंडियन प्लेयर ऐसे हैं जो ऑलरेडी ईस्ट बंगाल एफसी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ देखा जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ऑलरेडी चार फॉरनर प्लेयर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन करके रखा हुआ है, जो है बेमामार, हमजा रेग्रुगुई, नेस्टर अल्विया और मिचेल जाबाको। इन दोनों क्लबों के ऊपर आईएसएल सीजन 11 में सभी फैनों का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इन दोनों क्लबों ने आईएसएल में कुछ इतना बड़ा अभी तक अचीव नहीं कर पाया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हालांकि 2 साल सेमीफाइनलिस्ट था, लेकिन वही सेमीफाइनल में हार कर अभी तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फाइनल तक नहीं पहुँचा। और जब से ईस्ट बंगाल एफसी का आईएसएल में जर्नी स्टार्ट हुआ तब से ही ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो आईएसएल 11 में तो अभी एक बेस्ट टीम की उम्मीदें है, जैसे कि हम हर साल देखते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस साल अपने टीम को तो रिवील नहीं करेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फॉर्नर स्क्वाड तो बेहतरीन है। लेकिन इस टीम में एक दिक्कत है कि इंडियन स्क्वाड थोड़ा सा
कमजोर है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अगर बेस्ट परफॉर्मेंस आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का इंडियन लाइनअप को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सिर्फ आई लीग से ही प्लेयर को साइन कर रहा है और ISL के एक्सपीरियंस प्लेयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अभी तक साइन नहीं किया। रही बात विनीत राय का, एक र्यूमर आया था लेकिन विनीत राय भी अभी पंजाब एफसी की तरफ चल गया है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इंडियन स्क्वाड जरूर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ISL में एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। उसके अलावा ISL में जैसे क्लब जमशेदपुर एफसी, पंजाब एफसी, बेंगलुरु एफसी, इन क्लबों के ऊपर भी फैनों का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बेंगलुरु एफसी ऑलरेडी ट्रांसफर मार्केट में कूद पड़ा है, जमशेदपुर एफसी भी थोड़ा अप डाउन परफॉर्मेंस करके ISL सीजन 10 को ख़त्म किया है। पंजाब एफसी जो ISL सीजन 10 में पहली बार खेल रहा था उसी साल में थोड़ा सा अच्छा तो मैं प्रदर्शन जरूर बोलूँगा और केरला ब्लास्टर्स एफसी जैसे टीम भी अभी अपने हेड कोच ढूंढ रहा है। तो अभी ISL ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले जून में ही इस साल हमें देखने के लिए मिलेगा सभी टीमों का कंपटीशन और जुलाई में होगा दुरान कप। तो दुरान कप में हमें उम्मीद है कि ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एटलीस्ट इस साल फाइनल जीते, तो इन दोनों क्लबों में से, क्योंकि फैन का उम्मीद बहुत ज़्यादा है। खासकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं जीता, हालांकि EISL का ट्रॉफी जिला है वो आर्टिफिशियल ट्रॉफी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इसी साल कुछ अचीव जरूर करना है, क्योंकि 10 साल हो गया है सभी फैन अभी वेट कर रहा है और फैन भी गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ISL स्टार्ट हुआ था तब इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम भरा भरा हुआ था, लेकिन अभी अगर ISL के अगर ट्रेंड देखें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फैन बेस बहुत ही गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका गिरते हुआ परफॉर्मेंस भी इनका ही एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। तो हमें उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ईस्ट बंगाल एफसी ISL सीजन 11 में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देखा और फैन का जो एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर ये दोनों क्लब जरूर काम करेगा। और आप सभी भी बताइए क्या है आपका एक्सपेक्टेशन इन दोनों क्लबों को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल। थैंक